हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज नेक्स्ट इस जो सीरीज़ चल रहा है जहां पर हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगा अलग अलग नाइटीज़ पे, उसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट वीडियो, मतलब ये वीडियो आने वाला है, आ रहा है आपके पास। इसमें आप एनआईटी जमशेदपुर, जो लोग आपको एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हुआ है इन जोसा, और जो लोग सी सैब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और उसमें एनआईटी जमशेदपुर से जमशेदपुर में कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली कि कहाँ कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगा, उसका नोटिस, उस नोटिस का पीडीएफ एज ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, साथ ही साथ इस एनआईटी जमशेदपुर का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज़ में मैं एनआईटी दुर्गापुर और आईएसटी शिवपुर अभी तक कवर कर चुका हूँ, तो जो लोग को उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है तो उन लोग वो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा, ठीक है? तो देख लेते हैं, एनआईटी जमशेदपुर लिखना है हमें, मिल जाएगा एनआईटी जमशेदपुर। यहाँ पर एनआईटी जमशेदपुर जो झारखंड पे स्थित है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एनआईटी जमशेदपुर का पहला वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उससे भी आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है? ये एनआईटी जमशेदपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सुंदर एनआईटी है, हम सब जानते हैं, और प्लेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हालाँकि हम यहाँ पर देख लेंगे तो पहले ही आपको मिल जाएगा BTech newly admitted student 2022 batch are scheduled to report on 14 to 15 November 2022. तो आपको 14 से 15 नवंबर 2022, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया है एनआईटी जमशेदपुर में, जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अब वो रिपोर्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अब इस लिंक पे क्लिक करिए, जो लिंक लिखा हुआ है आप इसको डाउनलोड करिए, देखो एक PDF आपके पास डाउनलोड होगा, ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलता है ये PDF। ये PDF एक्चुअली एक स्कैन कॉपी है, नॉर्मली हम देख रहे हैं एनआईटी जमशेदपुर का लोगो है और ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, ठीक है? ये नोटिस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट सेमिस्टर 2022 बैच UG स्टूडेंट्स, और UG स्टूडेंट फर्स्ट सेमिस्टर की क्या बोल रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, जोसा सीसैब डासा जो भी है, ठीक है, उसको आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पर लिख दिया गया है रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल्ड बिलो, मतलब यहाँ पर ऑफलाइन रिपोर्टिंग होने वाला है। एनआईटी जमशेदपुर में सीधा साफ लिखा हुआ है आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना है, लेकिन अलग अलग ब्रांच के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, ठीक है? वो भी हम देख लेते हैं, देखिए आपके स्क्रीन में शो हो रहा है ये टाइमिंग है, हालांकि PDF आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं, सिर्फ एक पेज का ही यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया है, मतलब सीधी बात है आपको जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसका भी कुछ इंतज़ाम और कुछ नोटिस यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, हालांकि अभी टाइम है तो मुझे लगता है पब्लिश किया जाएगा, अगर नहीं भी करते हैं तो टोटल जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप रिपोर्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, लेकिन उससे पहले ज़रूर से मुझे लगता है एक नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ना है, जैसे अलग अलग NITs में प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है? अगर करता है तो मैं ज़रूर से एक वीडियो बना के आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा ज़रूर से, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं अगर इस वीडियो को अच्छा लगा, ठीक है? PDF का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट का। थैंक यू वेरी मच।